हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो मैं अनीता अपने चैनल ग्री वाटिका में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, ये कितना खूबसूरत रोज प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत ब्लूमिंग हुआ है ये फ्लावर। और उधर येलो क्रीम कलर का है दोस्तों, और ये बटन रोज भी है, इसमें भी बल्ब बन रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हुआ है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम ये देखिए, ये है गुलदाउदी का प्लांट, और ये गुलदाउदी का प्लांट अब दोस्तों ख़त्म हो रहा है। तो इस प्लांट को हम अगले साल के लिए कैसे सेव कर सकते हैं, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि इसको हम अगले साल के लिए कैसे सेफ रख सके और इसको बचा सके। तो इस प्लांट को हम अगले साल के लिए भी रख सकते हैं, तो वही मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी कि इसको कैसे रखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे इसे सेव किया जाता है, कैरीसेंथेमम का प्लांट को। और देखिए इसमें कि बहुत सारे अब कीड़े भी लग रहे हैं, क्योंकि अब इसका सीज़न ख़त्म हो गया है। फ्लावर सभी में ख़त्म हो गया है, मेरे सभी फ्लावर जितने भी हैं देखिए, सभी में फ्लावर ख़त्म हो गया है और सभी को मैंने कट कर दिया है। और ये प्लांट मैंने एक बचा के रखा था वीडियो बनाने के लिए, तो वही मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो इन सबको मैं कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए जितने भी ब्रांच है सबको मैं कट कर देती हूँ, यहाँ नीचे से कट कर देती हूँ, यहाँ से देखिए। तो ये सभी मैंने कट कर दिया है दोस्तों, और इस प्लांट को हम चाहे तो लगा सकते हैं। और देखिए इसमें कितने सारे कीड़े निकल रहे हैं। तो ये हमारा ब्रांच सब हट गया, और इसमें देखिए ये जो मेन ब्रांच है, मदर ब्रांच, इसके मदर ब्रांच है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं, और नहीं तो इसको नीचे से कट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, तो इसको कट करके हटा देंगे। और ये हमारा मदर ब्रांच में से निकल रहा है देखिए, ये बेबी प्लांट, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा दोस्तों, अब ये सेव हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसमें, आप इतने सारे गमलों को बचाने के लिए आप एक ही पॉट में इसको रख सकते हैं, और नहीं तो आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में भी, नीचे ग्राउंड फ्लोर में अगर ज़मीन है तो उसमें भी आप ऐसी कटिंग लेकर लगा सकते हैं। और अगर ज़मीन में नहीं लगा सकते हैं तो किसी एक गमले में भी लगा सकते हैं, जैसे इस गमले में है, तो इस सब को भी आप निकाल के इसमें गमले में सेट कर सकते हैं, तो ये अगले साल के लिए बच जाएगा। और दोस्तों जो मिट्टी है उसको हम थोड़े थोड़े पानी देते रहेंगे, समर सीजन में थोड़ा ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें थोड़े जैसे जहाँ एक दो घंटे की धूप आती हो तो वहाँ पर रखेंगे इसे, तो इस तरह आसानी से ये बच जाएगा। तो इसको कैसे हम सेव करते हैं वो भी मैं आपको सब दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इसको, ये हमारा दूसरा प्लांट है, तो इसकी मैंने कटिंग की है, कुछ बाकी है, तो इन सबको भी जैसे मैं हटा दे रही हूँ, देखिए ये कट करके हटा देती हूँ नीचे से। और ये जो ब्रांच है देखिए, यहाँ जो है, तो इसको हम आसानी से निकाल भी लेंगे। देखिए ये ब्रांच हमारा निकल गया, और सभी में जितने भी आप कैरीसेंथेमम के प्लांट लगाए हैं उनके अलग अलग कलर के हैं, उन सबको स्पेस भी निकाल देती हूँ मैं। देखिए यहाँ भी ये ब्रांच ख़त्म हो गया है, तो ऐसे ब्रांच देखिए जो जड़ है उसको निकाल दीजिए, आप या तो ग्राउंड फ्लोर में लगा दीजिए या फिर आप एक गमले में ही लगा कर और सारे गमले बचा लीजिए। तो ये सब जितने भी हमारे सारे गमले हैं उन सब में सब बच जाएंगे, और हमारा एक ही पॉट में कितने सारे कटिंग तैयार हो जाएंगे अगले साल के लिए। तो जितने भी ये मेरे सारे हैं उन सबकी मैं लगा देती हूँ एक ही में। देखिए यहाँ भी फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसको भी मैं हटा देंगी, तो इस तरह ये हट गया। और देखिए एक इस तरह की, आप जो चाहे तो आप इस तरह की एक गमला ले लें छोटा सा, ये बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है, तो आप चाहे तो इस तरह की कटिंग यहाँ से कट करके, देखिए ऐसे कट करके सारे फ्लावर हटा दीजिए। और देखिए दोस्तों ये
कटिंग यहाँ आप लगा दीजिए ऐसे, तो जितने या फिर ये जो है सभी में से जो इसके रूट्स से देखिए रूट्स भी है, कटिंग भी लग जाती है, रूट्स के द्वारा भी लग जाती है, तो ये जितने भी है रूट्स है तो इन सबको भी हम इस तरह लगा देंगे। देखिए इस तरह को तो इस तरह ये हमारा कटिंग तैयार हो जाएगा। और जितने भी हैं देखिए इधर भी है, इसको भी मैं निकाल देती हूँ इस तरह। तो इसमें भी बेबी प्लांट निकल रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ बेबी प्लांट निकल रहे हैं, तो इसको अभी रहने देते हैं। और इस तरह हम सभी को लगा देंगे, कटिंग भी लग जाएगा और ये हमारा जो है जो रूट से है वो भी लग जाएगा। तो आप चाहे तो गमला में भी लगा सकते हैं या कोई एक पॉट्स में भी लगा सकते हैं या ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इस तरह आप अगले साल के लिए ये प्लांट सेव कर सकते हैं और इसे थोड़ी एक दो घंटे की जहाँ धूप आती है वहाँ पर रख दीजिए। और इसमें पानी हमेशा लगातार डालते रहिए दोस्तों पर डे, क्योंकि समर सीजन में दो टाइम पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें एक ही टाइम पानी डालिए और ये इसकी मिट्टी को नमी बनाए रखें, तो इस तरह अगले साल के लिए बच जाएगा। और जब सितंबर अक्टूबर रेनी सीजन के बाद जो सितंबर में जो अक्टूबर तक आती है उसमें आप इसकी कटिंग करके आप नया ब्रांड प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हम नए अगले साल के लिए इस तरह प्लांट को बचा सकते हैं, गुलदाउदी के प्लांट को। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। बाय दोस्तों, टेक केयर।